पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर भी खराब रास्ता पीछा नहीं छोड़ रहा है यार, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ और पब्लिक रिएक्शन कैसा क्या रहता है और थोड़ा ट्रैफिक का भी नॉलेज हो जाएगा, इसलिए आया हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़ा नर्वस हूँ मैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। रास्ता बहुत ही बेकार वाला है, कच्चा वाला, फुटपाथ तरफ जाना ही सही रहने वाला है। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल, आई होप क्या सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। सो गाइस आज मैं जा रहा हूं सिटी राइड पर और आज मैं इंदौर वगैरह में स्केटिंग नहीं करने वाला हूं, आज मैं इंदौर के पास में जो सिटी है ना राव, वहां पर स्केटिंग करने वाला हूं। और आज मैं ट्रैफिक प्लेस में जा रहा हूं और अभी लगभग 11 बजने वाली है, तो अभी तक तो ट्रैफिक वगैरह आता ही है और फर्स्ट डे है मेरा ट्रैफिक में स्केटिंग का, तो फिर थोड़ा नर्वस भी हूं। तो अभी मैंने फ्रेंच टॉप्स वगैरह स्केट्स वगैरह पहन लिए हैं और अब निकल रहा हूं बाहर। तो यार खराब रास्ता ना, यहाँ पर भी पीछे छोड़ नहीं रहा मेरा, बहुत बेकार रास्ता है। अभी ट्रैफिक देख के मेरी बहुत ज्यादा फट रही है यार। तो गाइस ट्रैफिक देख के मेरी फट तो रही थी, लेकिन फिर भी मैं निकल गया हूँ रोड पर स्केटिंग करने के लिए, क्योंकि आगे ना पीछे निकलना ही है, इसे राइड पर जाना ही पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो ही ठीक रहेगा, और अभी जो है ज़्यादा स्पीड में स्केटिंग करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ट्रैफिक है और मुझे इतना ज़्यादा अंदाजा वगैरह भी नहीं है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आ चुका अभी ब्रिज, और यहाँ पर जो है रास्ता बहुत ही बेकार वाला है, कच्चा वाला, तो मुझे फुटपाथ तरफ जाना ही सही रहने वाला है। तो अभी तो फुटपाथ पे ही है, पब्लिक वगैरह नहीं है। लगा रहा आओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अभी ना यहाँ पर फुटपाथ भी बहुत ही ख़राब है यार, लेकिन ठीक है, अभी इधर ट्रैफिक नहीं है, आगे ब्रिज नीचे उतरूंगा ना तब ट्रैफिक मिलेगा मुझे। और अभी जो है हेलमेट लगा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए बस। तो गाइस फाइनली हेलमेट लगा लिया मैंने, और ये जो आपको तार वगैरह दिख रही है ना, ये मैंने माइक के लिए लगा रखा है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी। तो लगा लिया हेलमेट और चलते हैं, पब्लिक रिएक्शन वगैरह तो अच्छे से मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी है। तो यार अभी तो मैं नॉर्मल राइड के हिसाब से आया हूँ इधर पब्लिक वगैरह में, ऐसा कुछ ज़्यादा लंबा दूरी तय नहीं करने वाला हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ राव में, वहीं मार्केट में घूमने के हिसाब से आया हूँ, और पब्लिक रिएक्शन कैसा क्या रहता है और थोड़ा ट्रैफिक का भी नॉलेज हो जाएगा, इसलिए आया हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। गिरू ना। तो गाइस यहाँ पर फुटपाथ खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर आया है असली वाला ट्रैफिक, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा नर्वस हूँ मैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, बस संभल जाए। तो निकलते हैं ट्रैफिक में स्केटिंग करने, और गाड़ियाँ खत्म हो जाए, बस निकलो। Let's go. I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties, as loose ties. I don't know, he begging to go or not. Depends on the situation, he going up like inflation. तो भाई यहाँ पर भी खराब रास्ता पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties, as loose ties. I don't know, he begging to go or not. Depends on the situation, he going up like inflation. For all the haters that said that he couldn't make it, my brother drowned in the lake, how could all you people mistake it? He fought hard for what he had, murderers holding guns. You worried about all the extra to water gets in your lungs, man. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit, I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. तो यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और थकान भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो ज़्यादा दूर आ गया ऐसा लग रहा है। तो गाइस यार अभी मैंने जो है ट्रैफिक में तो स्केटिंग कर ली है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ मेन मार्केट में, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं रहेगा, लेकिन देखते हैं कैसा क्या है, रोड भी सही सा नहीं है।
तो अभी रास्ते में भी सही नहीं था, पूरा ट्रैफिक था और रोड भी ख़राब ही था, जैसे कि आपने देखा ही होगा वीडियो वगैरह में। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहा था यहाँ पर क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई है और धूप भी वैसे ही गिर रही है। नहीं रहता हूँ राहू में, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। हेलमेट I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree. यहाँ भी बहुत ट्रैफिक है यार। Shorty a dancer with her only fans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, none I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Huh? Bitch, I'm a dog, I'm off the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybree. Ooh, right beside me in the Phantom off that Molly. Yeah, yeah. तो गाइस यार यहाँ पर जो है रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कंक्रीट वाला है। विशाल स्केटर, स्केटर ये फर्स्ट नंबर पे। ओके, पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पे। वैसे अपना कोई चालान नहीं बनता है, अपन तो कहीं भी जा सकते भाई। इंदौर का पता नहीं, अभी इंदौर में रोक दो तो यहाँ पर तो निकल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा स्केटिंग कर ली ऐसा लग रहा है मुझे, वैसे मैंने ज़्यादा चला नहीं हूँ, शायद मैंने 2 से 4 किलोमीटर ही चला होगा। लेकिन जो गर्मी है ना, धूप जिस हिसाब से पड़ रही है अभी, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसा लग रहा है। थकान भी बार बार हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं पानी की बोतल लाना ही भूल गया था, तो लाना पड़ेगा अगली बार से, याद रखना पड़ेगा। हर बार का मेरा यही नाटक है। और स्टेमिना कम है वो तो मैंने आपको बताया था, उस पर भी काम चलेगा। वैसे तो ऐसा निकला करूँगा ना राइड पे, तो फिर मेरा जो स्टेमिना भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बस मुझे डाइट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरा मार्केट घूम ही आया हूँ, पूरा ट्रैफिक वाला इलाका भी घूम ही आया हूँ, थोड़ा सा बाकी है लेकिन मैं ज़्यादा गया नहीं क्योंकि मेरे थकान भी हो रही थी। और एक तो ये सेल्फी स्टिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी लगती है, तो हाथ की भी वाट लग गई थी, पकड़ा ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना चला हूँ, और अभी जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाकी है घर की ओर वापस, तो चलते हैं वापस घर की ओर। तो भाई सिटी है तो क्या हुआ यार, यहाँ पर भी ख़राब रास्ता मिल जाता है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब। फाइनली पहुँच चुका हूँ मल्टी के नीचे, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगा फिर ही ऊपर जाऊँगा। तो गाइस यार थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मुझसे चला तक नहीं जा रहा था, और पेट में अलग दर्द कर रहा था क्योंकि आज मैं भूखे पेट ही चले गया था, बस ज़रा सा नाश्ता किया और फिर निकल गया था। लेकिन फिर भी सिटी में स्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ की बात करें नेचर के लोगों की, तो मतलब कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा था, और जहाँ पर गाँव में मैं स्केटिंग करता था वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट करता ही था। यहाँ पर सभी हौसला बढ़ाते हैं और वहाँ पर नहीं बढ़ाते हैं, तो ये बात सही लगी है, और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है इन जैसे लोगों को देख कर। तो मज़ा आया, आज फर्स्ट डे था तो ठीक था। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे हम नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में शायद जा सकते हैं इंदौर तरफ स्केटिंग करने, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से राइड पर निकलते हुए। तो बाय गाइज़।